এছৰ সৰ্ববৃহত সৌৰ শক্তি প্ৰকল্প আজি মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰেৱাত মুকলি কৰা হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি প্ৰকল্পটো মুকলি কৰে। 750 মেগাৱাট সৌৰ শক্তি উৎপাদনক্ষম প্ৰকল্পটো মোদীয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ যোগেৰে উদ্বোধন কৰে। আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত নোহোৱাকৈ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ যোগেৰে মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰেৱাত মুকলি কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি প্ৰকল্পটো মুকলি কৰে। 750 মেগাৱাট সৌৰ শক্তি উৎপাদনক্ষম প্ৰকল্পটো ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং और बहनों नमस्कार। आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाघ से रही है। अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है। इसका आसमान से लिया गया वीडियो जब हम देखते हैं तो लगता है कि खेतों में हजारों सोलर पैनल जैसे फसल बन के लहलहा रही है, या ऐसा भी लगता है कि किसी गहरे समुन्दर के ऊपर से गुजर रहे हैं जिसका पानी बहुत नीला है। और इसके लिए मैं रीवा के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। रीवा का ये सोलर प्लांट इस पूरे क्षेत्र को इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा। इस सोलर प्लांट से मध्य प्रदेश के लोगों को, यहां के उद्योगों को तो बिजली मिलेगी ही, दिल्ली में जैसा अभी शिवराज जी बता रहे थे, मेट्रो रेल तक को रीवा से लाभ मिलेगा। अब रीवा वाला शान से कह पाएगा कि दिल्ली की मेट्रो हमारा रीवा चलाता है। চৰাইদেউ জিলাৰ প্ৰথমজন চিকিৎসাকৰ্মীৰ দেহত কোভিড-19 পজিটিভ পোৱা গ'ল। চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীৰ